आज की वीडियो में बात टाइम्स नाउ के पत्रकार नाविका कुमार की करते हैं। इन दिनों नाविका कुमार डिबेट में अपने कमेंट को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। Sorted out Punjab, I've earned my vacation and I'll go for vacation. And the day he returns, bloody, I'm sorry. And the day he returns, bloody, I'm sorry. On the day he returns, Oh my God, Punjab, what word did you use? Punjab, is still in the headlines for all. नाविका ने ये शब्द कांग्रेस पार्टी में आपसी तनाव के मुद्दे पर हो रही डिबेट में बोला। अक्सर नाविका बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री के बचाव में ही खड़ी दिखाई देती हैं। आप खुद देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मेड अ वेरी वेल क्राफ्टेड एड्रेस। डज द गवर्नमेंट एट द सेंटर, डज नरेंद्र मोदी हैव टू डू एन अग्नि परीक्षा एवरी सिंगल डे? प्राइम मिनिस्टर liking to put his own pictures on his own Twitter line. इनको अपनी उनकी पिक्चर उनकी ट्विटर लाइन पे है, ये उस उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं और परेशान होते हैं। क्यों? Why do we question and suspect everything that he does? In his first visit to the site of a project that is close to his heart, Prime Minister Modi ended his weekend with a complete analysis of the ambitious project that would revamp the face of Central Delhi. आपने 2014 में कई महीने पहले अपनी पूरी मुहिम पूरी रैलीज वगैरह शुरू की थी और एक कनेक्शन आपने बनाया था आम जनता के साथ। 2014 में लोगों की आंखों में एक चमक होता था, एक मोदी मैजिक का चमक होता था। नाविका के कमेंट पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाविका को माफी मांगने को कहा और मीडिया पर कुछ सवाल भी खड़े किए। मीडिया के कुछ लोगों का कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी है। मीडिया लोगों की आवाज बनती है, मीडिया सशक्त विपक्ष की आवाज बन के उभरती है। हर बार हर दौर में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने का काम मीडिया करती है और मीडिया चुनी हुई सरकार को आईना दिखाती है। लेकिन कुछ मीडिया के कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और पत्रकारिता के नाम पर एक गोरख धंधा चल रहा है। लेकिन कल शाम को एक लाइव टीवी डिबेट पर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और अभद्र शब्दों का प्रयोग हुआ, तो मीडिया के कुछ लोगों को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप कुछ कठपुतली बनकर सरकार के एजेंडा को चलाने में अभी तक काम कर रहे थे, अब क्या आप सरकार की कठपुतली बनकर विपक्ष के नेताओं को गालियां दीजिएगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग करिएगा? और कांग्रेस पार्टी के इस मंच से कल जो लाइव टीवी के डिबेट पर हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो मीडिया पर धब्बा है और हम उसकी घोर निंदा भर्त्सना करते हैं, क्योंकि ये देश का इतना बड़ा मीडिया समूह है और ये इस कदर जहर उगल रहा है। और आज से नहीं, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कहा गया है, ये सालों से कहते आ रहे हैं। ये जो विभाजन का काम, ये जो जहर घोलने का काम हो रहा है, ये अकेले नहीं है, मीडिया के और भी कुछ साथी हैं जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और जानबूझकर ये कर रहे हैं। इस सब विवाद पर नाविका ने अपने द्वारा किए कमेंट पर वीडियो मैसेज के जरिए माफी मांगी है। यस्टरडे ऑन माय शो आई मेड अ मिस्टेक, यूज्ड एन अनपार्लियामेंट्री वर्ड एंड ड्यूरिंग द शो आई अपोलोजाइज्ड फॉर दैट वर्ड, इट शुडंट हैव बीन यूज्ड। आई हैव डन थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ एंकरिंग, हैव नेवर मेड दिस मिस्टेक इन द पास्ट, बट यस्टरडे गलती हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती तो हुई लेकिन अनइंटेंशनल थी और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थी जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती के लिए माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं होती और मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे इस शब्द से किसी को ठेस पहुँची है या किसी को बुरा लगा है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, यही कहना चाहती हूँ कि गलती हजारों वक्त हजारों घंटों की एंकरिंग में एक गलती हुई है पिछले 16 साल में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और किसी का भी दिल दुखा हो या हर्ट हुआ हो, ये मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं था, दिस वॉज नॉट माई इंटेंशन, अपॉलोजीज। आप नाविका या उनकी डिबेट को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।